अरे भाई भाई भाई, अरे क्या हुआ? क्या माल है बगल में यार? भाई मुझे पता है, वो बहुत अच्छी ही भाभी है और उसका हस्बैंड भी उसके साथ रहता है। भाई गोलकीपर के रहते भी गोल किया जा सकता है। हाँ जी बोलिए। भाभी मैं रोहित, आपका पड़ोसी। दूध मिलेगा क्या? क्या? अरे आज मैं सोया ही रह गया, मेरे घर पे दूध नहीं आया, तो एक पैकेट दूध मिलेगा? चाय बनानी है। ठीक है मैं लाती हूँ। थैंक यू भाभी। वेलकम। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। आप बहुत खूबसूरत हो। नहीं सच्ची में आप बहुत खूबसूरत हो। पता है मुझे, दूध मिल गया ना? जाओ। ठीक है आता हूँ मैं शाम को दूध वापिस करने। ए दुनिया ने हमको दिया क्या दूध? दूध ले आया ना? तू कसम से बहुत कमीना इंसान है यार, वैसे इस दूध का करेगा क्या? नहीं रे कुछ नहीं, शाम को वापिस कर दूंगा। गजब। बातों का सिलसिला कहीं से तो स्टार्ट होता है, ये हो गया स्टार्ट। अब देख तेरा भाई शाहरुख खान के स्टाइल में कैसे उसे पटाएगा। अरे वो तो ठीक है, तू शाहरुख खान के स्टाइल में पटाएगा, लेकिन खुद का ध्यान भी रखियो, कहीं उसका हस्बैंड तेरे लिए सलमान खान ना बन जाए। ओ बेटे तू टेंशन मत ले, मैं तेरा भाई हीरो। सही है भाई, भगवान तेरी रक्षा करे भाई। भाभी आपका दूध। इसकी क्या जरूरत थी? लिया था वापिस कर रहा हूँ। ठीक है आओ अंदर आओ। हाँ क्यों डर लग रहा है? अरे नहीं डर क्यों लगेगा, तो फिर आओ दो। तुम बैठो मैं आती हूँ। क्या करती हो तुम? कुछ खास नहीं, बस स्टडी चल रही है। ओ स्टडी चल रही है तुम्हारी, फ्लर्ट कर रहे थे ना मेरे साथ? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था। ये क्या था? तुम दूध लेके गए सुबह और फिर वही दूध वापस कर दिया। देखो तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग मत करो मेरे साथ। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बस अपने दिल की बात बताया, और आप खूबसूरत लगी तो मैं बोल दिया, इसमें कौन सी गलती है? दिल की बात? तुम्हें पता है ना मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। क्या करना है तुम्हें आगे? आगे मैं नहीं बता सकता। अपना फोन दो। ये लो मेरा नंबर। थैंक यू। जो बात सामने नहीं बोल सकते ना वो फोन में बोल देना, ठीक है? बाय बाय।
है तो हैंडसम। नमस्कार, आज का शुभ समाचार, इसमें हूँ ना कि शाहरुख खान ने उस भाभी के सलमान खान को किक मार के उसको ले आया। ले आया? अब इस साले नंबर बे नंबर ले आया। गजब यार, एक 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 पता है, एक होता है हरामी इंसान, और तू हरामी में भी ब्रांडेड कमीना है साले। क्या कहूँ तेरे बारे में, रोज का सिलसिला है ये। अबे पक चिकी पक चिकी, ये पागल लड़का यार, पूरा पागल है ये। पानी लेके आओ ना। ये लीजिए पानी। आप तो 10-15 दिन के बाद आने वाले थे, अचानक कैसे आ गए? बस एक दिन के लिए आया हूँ, इधर से ही जाना था तो सोचा घर पे ही रुक जाऊं। कल सुबह फिर जाना है 10 दिन के लिए, लेकिन इस बार जब 10 दिन के बाद आऊंगा ना, मैं पूरा महीना तुम्हारे साथ रहूंगा, और ऑफिस से मैंने बोल दिया पूरा 1 महीने का छुट्टी चाहिए मुझे। अगले महीना कभी नहीं आता वो अगला महीना, झूठे दिलासा देने की जरूरत नहीं है आपको। अरे यार इतना गुस्सा मत करो, मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी बात है ना, हम लोग 1 महीने में बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं घूमने, ठीक है? मैं अकेले ही खुश हूँ। नाराज मत हो, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, काम भी तो करना पड़ता है ना। तो करो ना काम, मैं अपनी लाइफ में अकेली बहुत खुश हूँ। अब काम पे ध्यान दो, ठीक है? मेरे बारे में मत सोचो। बस डाटी खिलाओगी, कुछ खाना वाना भी खिलाओगी? बहुत तेज से भूख लगी है। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक यू। सुननी तो पड़ेगी भाई डांट, महीना महीना जो बाहर रहता हूँ। निशा, इतने टाइम के बाद। हाय निशा। हाय यार, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इतने टाइम के बाद याद किया। हाँ यार, बस घर पे ऐसे ही बैठी थी तो सोचा मैं ही तुम्हें याद कर लूँ। और तेरी शादी के बाद क्या चल रहा है? क्या चलेगा यार, कुछ भी नहीं, उल्टा मैं पक गई हूँ, पता है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारे पति? पति नाम के पति है सिर्फ, सारा दिन काम काम काम, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते यार। ऐसा लग रहा बहुत बड़ी गलती कर ली शादी करके। अरे पर ऐसा क्यों? महीने के 2 दिन घर पे रहते हैं, बाकी सारा महीना उनका बाहर ही जाता है। अच्छा, मतलब वो तेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते? नहीं ना यार, और मैं घर पे बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, टीवी ये वो, मैं कितना देखूंगी टीवी। सोच रही हूँ कुछ जॉब वॉब स्टार्ट कर। अरे कोई जॉब वॉब मत कर, एक काम कर, तू भी कहीं बाहर कोई अफेयर वफेयर चला ले। अफेयर? पागल वागल हो गई है क्या तू? अरे तो उसमें गलत क्या है यार, तेरे पति तो वैसे भी घर पे रहते। अच्छा भाभी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मान के चलो किसी दिन आपके हस्बैंड को हमारे बारे में पता चल जाए तो क्या होगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उनको धोखा दे रही है? देखो यार, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको धोखा दे रही हूँ।